मॉर्निंग एवरीवन, सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं पहली बार रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा पुराना वाला BMW तो अभी चलो भाई। अभी मैं रास्ते जा रहा हूँ भाई, कुत्ता घोड़ी। अरे दुकान में एक भी कूलर नहीं है, कुछ चीज खाने के लिए चीज लेना चाहिए था। बहुत भूख लग रहा है, फिर भी नहीं खुला है क्योंकि बहुत सुबह है, इसलिए नहीं खुल रहे शायद। क्यों सुबह आता है मतलब में? क्योंकि रोबर करने के लिए सुबह समय से बहुत अच्छा है, बहुत हाथा निकलता है, इसलिए सुबह सुबह जाना पड़ता है। अरे यार अच्छा, बहुत बेदार है देखने के लिए, मजा आता है। अरे बाप रे, फ्रेंड्स दूसरों को तरह मेरा कैमरा ये क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये मेरा GoPro नहीं है। मेरे GoPro खरीदने के लिए पैसा नहीं रे बाबा, किसे करेगा, इसीलिए बुरा मत माना, इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है मेरा कैमरा। सो अभी मैं प्रॉपर बगान में बसने वाला है, अभी व्यायाम ले लेगा। धीरे धीरे, रास्ता बहुत खराब है, देख एक हाथ से चला रहा हूँ और एक हाथ दबा रहा हूँ। कुछ कम निकल था इसे थोड़ा लेट हो गया। अब लोग देख सकते हैं ये रबर गिर रहा है। ओके, मैं अभी अंकल का नजदीक जाएगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन करके आप लोगों के लिए दिखाने वाला है। जो ये कहता है ना, पूरा फुल कंसंट्रेट करके काटना बारे का, क्योंकि इधर उधर काटने से बहुत गड़बड़ हो जाता है। देखो इतना फुल कंसंट्रेट, देखिए उंगलियों दिखाए क्या, उंगलियों ये उंगलियों से इसे 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 रास्ता बना देना चाहिए, नहीं तो वो इधर उधर गिर जाएगा। तो दूसरा डायरेक्शन ले लेके वो दप्पा का बाहर गिर जाएगा, तो इसे कर देने से पूरा ये दप्पा में गिरेगा, पूरा फुल से गिर रहा है। देखो मतलब हड्डा बहुत ज़्यादा है इसीलिए फुल। और वो डब्बा उल्टा है ना, उसको सीधा कर देगा ताकि वो टिपिक टिपिक के गिरेगा। और जो इधर है ना, आप लोग देख रहे हैं दो तरीका का होता है इधर, एक जो ये सीधा सीधा बे देता है ना, और एक जो क्या बोलता है वो खड़ा होकर पैर में चिपक के रहता है क्योंकि वो खाली हुआ है। हम लोग अभी काट काट के जा रहे हैं, बाद में वो फुल हो जाएगा। उधर सब कुछ खाली है
क्योंकि अभी तक हम कर नहीं है। ये लड़का जो बैठा है ना उसको खाजिया जैसा लगता है, ये मिखलाय चाहिए शायद। अरे दोस्तों मैं अभी दूसरा काम में जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रबर कैसे करता है। मेरा कुछ कम निकल गया रबर, इसीलिए मैं दूसरा जा रहा हूँ। हम लोग बहुत ऐसे बिजी होते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हर रोज जाना पड़ता है, बगान 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 बगान। सुबह होता है रबर बगान, दो BMW है उसके बाद ये और ये इसके लिए। हम जिस काम में आया था वो सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए मैं और वापस रबर बगान में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वो ग्रैंड फादर है ना वो साइकिल में चला गया, मैं उनके पीछे पीछे गया था लेकिन कुछ नहीं पाया, इसीलिए अभी जा रहा हूँ और वापस रबर बगान में। देखो एक हाथ चला रहा हूँ और एक हाथ मोबाइल पकड़ रहा हूँ, पता नहीं। नो फ्रेंड्स, अरे सिंगल बॉय यार क्या करेगा। और ये है अमसुई, और राइट साइड में आप लोग देखने देख रहे हैं, ये अमसुई का प्राइवेट हाई स्कूल, उसका नाम है सेंट विंसेंट हाई स्कूल अमसुई। ये स्कूल बहुत अच्छा है, हम लोग पिछले साल में इधर घुसा था, बहुत अच्छा लगता है मेरे फ्रेंड के साथ। और ये जो डाउ देखता है ना इसको साउथ इंडियन मूवी में इसको गुंडा को काटता है, लेकिन मैं तो इधर रोबोट काटने के लिए लेकर आया हूँ, मैं बहुत खैर के लिए बहुत महंगा है तो आप भी इधर करेगा। हम लोग रबर काट चुका है इसीलिए हम और अभी और खर जाएगा। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा हम भी झुका के नहीं साली को। बहुत से भूख लग रहा है इसलिए एक डिश मिला है हम लोगों इस बागान में, इसको खा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। देखने में से बहुत सुंदर है लेकिन इसका अंदर बहुत से मच्छर है, इतना काटा है फिर बेर में जल्दी बहुत काटा है। बाबरे इतना डूब दिया रे, मेरा बल भी कुछ कुछ इतना गर्म हो रहा है, हाईली टेम्परेचर 100% 100 सेल्सियस डिग्री हो रहा है, इतना गर्मी है बाबरे। धूप थोड़ा कम थी कर, हम लोग सब कुछ चुन चुन के काट कर रख दिया, किसी को नहीं बचाया, अभी काट के हम घर जा रहा है और बाद में हम आएगा और आधा घंटा के बाद। हम अभी घर जा गए नहाए का नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके उसके बाद और क्यों आवाज आएगा।
ऐसे खाने से बैठने से भी बाहर रहने से बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग से फंडास्टिक मज़ा आता है, पता है करता है। हाँ जी, सबको स्वागत है। सुबह हम लोग करने के लिए आया था और अभी जो वो जो कटा हुआ है ना उसको लेने के लिए आया हूँ। अभी मैं सबको एक एक करके ये बकेट में कलेक्ट करूँगा, उसके बाद भर्ती करूँगा, ले जाएंगा। अब भी मैं बकेट में ले लिया और ये बकेट लेने के बाद थोड़ा सफा कर दिया। सफा करने के बाद ये जूस को, ये दूध को ड्रम में डाल देगा, बस खत्म। और लेने के लिए बाकी है, इसको ढाबा मार देगा और जाएगा। अभी घर जाने के लिए तैयार हो गया, चलो धीरे धीरे जाएंगा। और हमारा रबन बगन के लिए टाटा। जाएगा, अभी मैं पीछे पीछे बैठने वाला हूँ, आप लोग देखते रहना, थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर देना। Finally we reach our home। अभी इसको हम ये मशीन में बनाएगा। पहले ये दूध था, अभी ये पूरा बिस्कुट जैसा हो गया। ये जो मशीन है ना, हान से ऑपरेट करता है। इसको कुछ लाइन साइन वगैरह वगैरह नहीं है, ये हम हाथ से चलाता है खुद का मर्जी से। ऊपर के वो नीचे पकड़ेगा और फिर ऐसे करेगा, पूरा इसको घुसा देगा ताकि वो अच्छा से प्लेन चिट हो जाएगा। बस हाँ, ये जो आगे वाला दिखता है ना, ये सेकेंड स्टेज का हैंड मशीन है। उधर इधर फाइनल स्टेप है, इधर रोलिंग करने से बाद शीट निकलने के बाद ये ड्रम रहता है ना, ड्रम में पानी पी जाके सूख देता है बाहर से, तो इधर हमारा काम खत्म। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारा भाई और बहनों, मामा मम्मी, सब लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग।